दिल्ली NCR समेत समूचे देश भर में विदाई की ओर बढ़ रहा है, लेकिन बारिश का सिलसिला थमा नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली NCR में पूरे सितंबर महीने में मॉनसून की बारिश होगी, कभी हल्की तो कभी मध्यम स्तर की। इस दौरान कभी कभार तेज बारिश का अनुमान भी मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। इसी कड़ी में मौसम विभाग ने बुधवार के साथ साथ बृहस्पतिवार को भी बारिश के मद्देनजर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक बुधवार से मध्यम स्तर की बारिश का दौर शुरू होगा, जबकि बृहस्पतिवार को तेज बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एक सप्ताह के दौरान यह तीसरा मौका है जब मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में बारिश के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस कड़ी में कहा गया है कि बृहस्पतिवार को बारिश की गतिविधि सबसे अधिक होगी। बृहस्पतिवार को 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी और तेज बारिश का भी अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को बारिश का दौर शुरू होने के साथ बृहस्पतिवार और शुक्रवार को तेज बारिश होने का पूर्वानुमान है। ऑरेंज अलर्ट जारी होने का मतलब है कि दोनों दिन तेज बारिश होगी। इस दौरान दिल्ली NCR में जल भराव की आशंका भी जताई गई है। ऐसे में लोगों से गुजारिश की गई है कि जल भराव और इससे बनने वाले हालात के बीच ऐसे इलाकों में वाहनों से आवागमन करने में परहेज करें। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 19 सितंबर यानी रविवार को बंगाल की खाड़ी में फिर से एक नया सिस्टम विकसित होने की संभावना बन रही है। ऐसे में मानसूनी गतिविधियां इस महीने की 24 से 25 सितंबर तक रहेंगी। माना जा रहा है कि इसके प्रभाव के आगामी कई दिनों तक हल्की बारिश जारी रह सकती है, लेकिन तेज बारिश की संभावना कम ही है। मौसम विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार को मौसम सबसे अधिक खराब रहेगा, जबकि शुक्रवार को भी मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा 18 और 19 सितंबर को मौसम साफ हो सकता है, लेकिन बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।